नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कोटा असरवा ट्रेन के बारे में। जी हां, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में चर्चा की थी कि जयपुर असरवा, कोटा असरवा और इंदौर असरवा का जो है वो संचालन मार्च के पहले सप्ते में रेलवे करने जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि आखिर क्या टाइम टेबल रहने वाला है कोटा असरवा एक्सप्रेस का, और यह कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर अपना ठहराव लेते हुए जाएगी, और पूरी समय सारणी आपके साथ में बताएंगे और ट्रेन का नंबर भी बताएंगे और ट्रेन कब से संचालन में आएगी ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल लेटर के ऊपर, यानी कि रेलवे द्वारा निकाला गया इसका ऑफिशियल लेटर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह ट्रेन जो है वो जबलपुर हेडक्वार्टर और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली है, जिसको कोटा डिवीज़न जो है वो शुरू कर रहा है। और यह जो ट्रेन है दोस्तों, हफ्ते के दो दिन चलाई जाएगी, यानी कि बाई वीकली पर्पस में इसको चलाया जाएगा। जैसा कि कोटा से असरवा के बीच में इसको ट्यूसडे और फ्राइडे को चलाया जाएगा, इस दौरान इसको जो है वह कोटा से चंदेरिया और हिम्मतनगर के रास्ते असरवा तक अपनी यात्रा तय करेगी, और असरवा से कोटा एक्सप्रेस वेडनेसडे और सैटरडे को चलाई जाएगी। अब बात की जाए इसकी समय सारणी की, तो जो कोटा से असरवा के बीच में चलेगी वह शाम को 6:45 निकलेगी कोटा से, और चंदेरिया पहुंचेगी 9:20 पे और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद वहां से रवाना होकर हिम्मतनगर पहुंचेगी 4:15 पे, 5 मिनट का स्टॉपेज वहां पर भी दिया गया है, और 6:00 पहुंचेगी ये असरवा रेलवे स्टेशन। वहीं पे इसका डिपार्चर जो है वह असरवा से होगा रात में 8:40 पर, और इसी क्रम में 9:00 पहुंच जाएगी असरवा, यानी कि एक ओवरनाइट गाड़ी ये दोनों तरफ से होने वाली है। और इसकी जो है वह जो मेंटेनेंस है वह कोटा में की जाएगी, और साथ ही साथ में इसकी जो सर्विस है वो यहाँ पर दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके पूरे स्टॉपेज इसके बारे में कि आखिर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन इसमें कितने आने वाले हैं जहाँ पर ये गाड़ी रुककर ज़रूर से अपना स्टॉपेज लेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बूंदी में मंदलगढ़ और परसोई, बस्सी बेरीसल, चंदेरिया और दोस्तों कपासन, फतेहनगर, माबली जंक्शन, राणा प्रताप नगर, उदयपुर सिटी, जावर, जयसमंद रोड, डूंगरपुर, लोसाड़िया और रायगढ़ रोड, हिम्मतनगर, नंदोल ग्राम और दहेगाम और सरदार ग्राम में इसके स्टॉपेज पूर्ण रूप से दिए गए हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर से असरवा के मध्य में जितने भी काफ़ी बेहतरीन रेलवे स्टेशन हम बोल सकते हैं, उन पर सारे जगह पर जो है वो इसके स्टॉपेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर यात्रियों को कोई दिक्कत आएगी नहीं कोटा तक यहाँ पर सफ़र करने में। प्राइमरी मेंटेनेंस मैंने आपको बताया कोटा में यहाँ पर दिया हुआ है। जो रैक है वो यहाँ पर LHB रैक से इसको चलाया जाएगा, और साथ में 17 कोचेस की ये ट्रेन होने वाली है। तो ये जो लेटर है वो 27 फरवरी 2023 को इशू किया गया था, और ये जो ट्रेन है अभी अनाउंसमेंट ये प्रकार की नहीं हुई है कि इसको किसी इस डेट से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि जयपुर असरवा का वह 4 तारीख से होने वाला, यानी कि 4 मार्च 2023 से। साथ ही साथ में इंदौर से असरवा के बीच में चलने वाली ट्रेन का जो संचालन है वह 3 तारीख से इंदौर से ही शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रेन का अपडेट तो आ गया है, लेकिन अभी कोटा असरवा का अपडेट यहाँ पर नहीं आया है। जो भी होता है हम आपको ज़रूर से बताते हैं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।